जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागूं दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री राजजी महाराज के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए यूएसए की हमारी पूनम, उनकी कितनी प्यारी सेवा, कितनी सुंदर चौपाई। ऐसे लगता है जैसे पीछे उन्होंने बट का पेड़ ही खड़ा करके ये शोभा बनाई हो, कितनी सुंदर। तो ये श्री परम धाम बट पीपल चौकी की शोभा, श्री कुलजम स्वरूप परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 30 चौपाई 40। तले बन निकुंज जो तिन पर ए मोहलात, मिल गए मोहल अर्स के रूहे दौड़त आवत जात। बट पीपल की चौकी की चार भूमिका पांचवी चांदनी है। इनके दक्षिण में कुंज निकुंज वन है। आंखें बंद करके सोचिए, निहारिए इस शोभा को सुंदर साथ जी, जिसकी दो भूमिका तीसरी चांदनी है। कुंज निकुंज वनों के मध्य से बड़े वन के वृक्षों की पांच हारें गई हैं, जिनकी पांच भूमिका तो छठी चांदनी है। इनकी डालियां वट पीपल के वृक्षों से मिली हुई हैं, और वट पीपल के वृक्षों की डालियां रंग महल के झरोखों से मिली हुई हैं, जिनमें से निकल कर सखियां बड़े वन तक दौड़ती हुई जाती हैं। इस आशय को विस्तार से समझते हैं। वट पीपल के वृक्षों की डालियां पत्तियों फलों और फूलों ने मिलकर सुंदर चंद्रमा के समान आकृति धारण कर ली है। इस प्रकार वट पीपल की चौकी की चार भूमिका एवं पांचवी चांदनी एक महल के समान सुशोभित होती है। बड़े वन के वृक्षों की पांच भूमिका एवं छठी चांदनी की शोभा भी महलों के समान दिखाई देती है। केवल एक वृक्ष ना समझे उनको, रंग महल के जो अंदर मंदिर आए हैं उन्हीं महलों के समान इनकी इतनी प्यारी शोभा हमारी श्री मुखवाणी में, कितनी सुंदर चौपाई। राज्य का श्रृंगार हम कितना सुंदर देखते हैं, तो कितना प्यार और कितना प्रेम अंदर फूटता है, प्रस्फुटित होता है। तो इन चौपाइयों का जब श्रृंगार करके आता है तो ये कितनी और भी प्यारी लगती हैं सुंदर साथ जी। सब चौपाई को श्रृंगारित करने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब आपको एक और बहुत ही प्यारी शोभा। किरण दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्री मुखवाणी में से ढूंढ कर वो चौपाई जो मुझे नहीं मिल पाई थी, किरण दीदी ने रात को मुझे मैसेज किया, उसके बाद मीनू दीदी का भी मैसेज आया। ये देखिए, चारों खूंटों बड़े चार चह बच्चे, तिन हर एक में कई कारंज, सब नहरे तहां से चले वह चह बच्चों भरिया जल गंज। फूल बाग के चारों कोनों में चार बड़े चह बच्चे आए हैं,
फूल बाग हम करेंगे, उनके चार चह बच्चे कौन से आए हैं वो भी करेंगे, पर इनमें से दो चह बच्चे रंग महल के ही माने जाते हैं क्योंकि कॉमन आए हैं। इन चह बच्चों से अनेक फव्वारे छूटते हैं, कई कारंज यानी अनेक फव्वारे इसमें से, तो श्री मुखवाणी में इसका वर्णन आया कितना सुंदर, जब ऐसा कोई आनंद अथाह अंदर भरता है तो बहुत आनंद आता है सुंदर साथ जी, ऐसे लगता है कि उन सुंदर साथ के चरणों को चूम लूं जाकर। तो ये देखिए किरण दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए अनेक फव्वारे, तो यानी कि वो जो चह बच्चे आए हैं उनमें अनेक फव्वारे आए हैं, इन चह बच्चों में अथाह जल भरा हुआ है, 16 हास के चह बच्चे, इन्हीं चह बच्चों का जल फूल बाग की सभी नहरों में प्रवाहित होता है, अति सुंदर। तो अब इन चह बच्चों को आपके दिल की, आपकी आत्मा की नजर एक भौम तक उनको ऊपर लेकर जाती है, दो भौम तक शोभा दिल में बसती है, या रंग महल की पूरी दसवीं आकाशी तक वो ऊपर जाते होंगे। जैसी शोभा जिस रूह के दिल को सुहाए, हम वैसी शोभा तब तक बसा सकते हैं। क्या पता राजी ने कहीं और भी किसी श्री मुखवाणी की किसी प्यारी सी चौपाई में सब सुंदर साथ सहूर कीजिए, ढूंढिए, क्या पता ये ढूंढने का भी एक कारण, एक बहाना राजी ने बनाया हो कि मेरे पास तो आओ, श्री परिक्रमा ग्रंथ को पढ़ो तो सही, मंथन तो करो। तो ये देखिए इनकी सब की शोभा हम अपने दिल में इसी प्रकार अनेक फव्वारे छूटते हुए, ऐसी शोभा कितनी प्यारी लगेगी ना सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, तो अब एक बात और सुंदर साथ जी हम करेंगे, बहुत ही प्यारी। ये देखिए आज बहुत दिनों से ये सेवा का सुंदर साथ ने रिक्वेस्ट भी की थी, हमने सोचा भी था, हमने बहुत कुछ किया। तो ये देखिए अब कॉन्टेक्ट लिस्ट फॉर चर्चनी डाउट क्लेरिफिकेशन सेवा, उनकी ये लिस्ट आ चुकी है, कई सुंदर साथ को रिक्वेस्ट भेजी गई थी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली हमेशा कंसेंट लिया जाता है कि क्या आपका नंबर इसमें शेयर कर दिया जाए, क्योंकि ये नंबर व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यूट्यूब में सबको दिखेगा, तो ये पब्लिक में डालना पड़ेगा। तो सब सुंदर साथ से लिखित हम लोगों ने कंसेंट लिया, कितनी सुंदर ये सेवा उनकी कि वो सामने आए कि हाँ जी हम ये सेवा करेंगे, डाउट क्लेरिफिकेशन सेवा। तो सबसे पहले किरण परनामी जी, जयपुर सुंदर साथ, आपकी तपस्या को, आपके उस तप को, आपकी मेहनत को जो पिछले 25-30 सालों से चलती आ रही है, आपका वो वरद हस्त हमारे शीश कमल पर हमेशा ऐसे ही बना रहे और हमें इस कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही प्राप्त होता रहे। उनका नंबर शिरोमणि, किसी से डाउट क्लियर नहीं हो रहा, आप किरण परनामी जी के पास जा सकते हैं, वो जरूर ही, यदि बाय चांस ऐसा कुछ हो तो वो विंध्याचल जी महाराज जी से पूछ कर, या एंड बता रही हूं मैं आपको, कुछ भी नहीं होता तो वो डाउट जरूर क्लियर करेंगे। हमारे किरण आंटी, किरण बालाजी, हम सुंदर साथ घर बैठकर कमरों में बैठकर सेवा कर रहे हैं, बहुत आसान है। महाराज जी ने चट्टाने तोड़कर रास्ते बनाए, महामती जी ने, प्राणनाथ जी ने कितनी मेहनत की, हम सुंदर साथ तो एक जर्रा भी नहीं कर रहे सुंदर साथ जी उसका। ये सुंदर साथ जो हर समय जागनी के लिए, शिविर लगाने के लिए निकले होते हैं, तन की सेवा, मन की सेवा, वचन की सेवा, कर्म की सेवा, सेवा सीखनी हो तो आप इनसे सीखिए, हमारी किरण आंटी से, कैसे उन्होंने अशोक जी और पहले बच्चों को पढ़ाया, लड़कों को, और अब वो कन्याओं की वो सेवा कर रही हैं, ज्ञान बांटने की, कितनी सुंदर सेवा। आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। मीनू दीदी के बारे में तो हम सब जानते हैं, शब्द बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गए। मीनू दीदी ने जो ये कार्यक्रम राजी ने उनके दिल में डाला पिछले 2 साल से, ये इतना सुंदर कार्यक्रम जो चलता आ रहा है, राजी उनको ये सेवा कितनी प्यारी दी कि आगे से आगे इस कारमा को चलाते जाना है। पहले उन्होंने उंगली पकड़कर हम सबको सिखाया, अब आगे सबको उत्साहित कर रही हैं कि अब आप भी आगे ये करो। तो अति सुंदर मीनू दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और ये सारे सुंदर साथ जो अगले नाम मैं बोलने वाली हूं ना, सब सुंदर साथ
कम से कम पिछले दो, जब से मैं जानती हूँ, उससे पहले पता नहीं कितने सालों से इन्होंने चर्चनी अर्श से कितना प्यार किया है, जो उनके दिल में ये अर्श बस गया है। मधु दीदी, अनीता मलिक दीदी, नरेश भैया, सुप्रभा रानी यानी जालंधर से, और आशी दीदी, आशा माना जी, आशु जुनेजा जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शाम की रिवीजन की क्लासेस चलाई। कोई प्रश्न पूछिए फटाफट उसका जवाब। शिल्पा जुनेजा जी जो बाल की कक्षाएं चला चुकी हैं, और लास्ट में मैं इन सब की चरण रज बहुत थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा लेकर कोशिश कर रही हूँ कि इन सब के चरणों से उनकी रज का एक एक कण भी यदि मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। तो आपको कोई भी डाउट हो इन सब सुंदर साथ में से फोन करके उनका समय लीजिए जिस टाइम, क्योंकि कोई जॉब में भी हो सकते हैं, कोई काम में हो सकते हैं, कहीं हो सकते हैं, उनका समय लेकर फिर उनसे मीटिंग आप फिक्स कर सकते हैं कि किस समय वो फ्री हैं फोन पर, जिस प्रकार भी वो डाउट्स रिजॉल्व करने की आपकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और आप मुझे भी इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं जरूर ही आपको कॉल करूंगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और सुंदर साथ जो सुंदर साथ, बाकी सुंदर साथ जो ये सेवा करना चाहते हैं, प्लीज आप आगे आइए, आप प्लीज आगे आइए। हाँ जी, ये नंबर जिसका भी कोई गलत हो, मैंने व्हाट्सएप में से लेकर ही ये नंबर डाले हैं, यदि कोई गलत है तो हम उसको ठीक कर देंगे। और नए सुंदर साथ स्पेशली जिन जिन के कल मैंने नाम लिए थे कि वो हेल्प कर सकते हैं, स्वयं सेवी बनकर आगे आइए और सारे इसमें हम उनके नाम ऐड कर देंगे। कम से कम सुंदर साथ जी ये पेज तो भरना ही चाहिए, हमारे पास कम से कम 19 सुंदर साथ तो होने ही चाहिए यहाँ पर। तो श्रीनिवास जी, शशि बाला जी, बहुत सारे और सुंदर साथ, विजय आंटी, कुसुम आंटी, बहुत सारे जो जो मैंने कल नाम आपको बोले थे वो सब नाम देंगे कि वो सेवा करने के लिए तैयार हैं, तो हम उनका नाम इसमें डाल देंगे। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, अब आगे चलते हैं। आशीष जी आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कल जो बात हुई थी, आशीष जी को प्लीज आत्मन जे के नाम से उनको को-होस्ट दे दीजिए आंटी। हाँ जी सरोज आंटी, आप आत्मन जे के नाम से हैं आशीष। हाँ जी, थैंक यू प्रणाम जी, लैपटॉप से ही कर दिया उन्होंने। हाँ वही ना, मेरे को तो आत्मन में ढूंढ रही हूँ। हाँ जी, उन्होंने चेंज कर दिया शायद कि आपको मिल जाए। हाँ, हाँ जी सुंदर साथ जी, तो ये जो कल एक सामने आया कि सुंदर साथ को, यदि वैसे तो कल एक नई ही शोभा खुलकर जो सामने आई थी उससे, वो शोभा तो बार बार रिपीट किया ही जाएगा। आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा राहत इससे मुझे मिली कि मुझे अब केवल थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसको रिपीट करना है, उसमें रस लेना है। तो आशीष जी से मैंने डिस्कस किया कल पूरा दिन, इस बारे में हमने बात की और एक बहुत ही सुंदर सॉल्यूशन आशीष जी ने बैठकर बनाया कि सुंदर साथ के डाउट को प्रॉपरली रिजॉल्व करने के लिए क्या ऐसा सामने लेकर आया जाए जो आगे भी जो बैच सुंदर साथ चलाएंगे उनके लिए भी सुविधा हो जाए, फ्यूचर के लिए भी, कि वो सारे डाउट्स इस प्रकार से रिजॉल्व हो पाए। तो उसका देखिए, सुंदर साथ संशय निवारण सहयोग हेतु ये बनाया गया है, स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस फॉर सुंदर साथ जी डाउट रेजोल्यूशन। आप इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए आशीष जी। डू आई हैव अ डाउट, सबसे पहले आपको यदि डाउट है, डू आई हैव अ डाउट और क्वेश्चन, क्या मुझे कोई संशय है, और उसके बाद क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप्स टू फॉलो इन सीक्वेंस, टर्न सीरियल ऑर्डर में इन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा फॉर रिजॉल्विंग योर डाउट, यानी अपने संशय निवारण करने के लिए। सबसे पहला स्टेप उसमें ये रहेगा कि जब ये कार्यक्रम की समाप्ति की ओर होगा, आप अपना हैंड रेज करेंगे समाप्ति की ओर, मे बी 5 मिनट पहले,
क्योंकि पहले हैंड रेज नहीं लिया जा सकता, उसमें मेरे जीव की कमी समझिए कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि पहली बार सीख रही हूँ, तो एंड में हैंड रेज किया जाएगा। और यदि उसी टाइम में क्लास बंद कर पाई 5 मिनट पहले, तो बंद करके पहले डाउट लिया जाएगा, नहीं तो श्री मुखवाणी चौपाई के बाद आपको अनम्यूट करके आपका डाउट लिख लिया जाएगा, अगले दिन उसको जरूर रिजॉल्व किया जाएगा। तो पहला स्टेप हुआ रेज हैंड हर क्लास के बाद। दूसरा स्टेप, राइट योर डाउट इन न्यूली क्रिएटेड, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप कल ही बैठकर नया बनाया है जिसका नाम है श्री प्राणनाथ जी वाणी। वो सिर्फ ना उसमें कोई वीडियो शेयर किया जाएगा, ना उसमें कोई क्विज शेयर किया जाएगा, ना उसमें कोई जूम की इंफॉर्मेशन या प्रणाम जी कोई भी मैसेज उस ग्रुप में शेयर नहीं किया जाएगा। केवल उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हम लोग सेट कर रहे हैं, वो भी जल्दी बताए जाएंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल और केवल डाउट्स उसमें पूछे जाएंगे, और ये डाउट कमेटी जो बनाई गई है सेवा समिति, वो सब उसके एडमिन रहेंगे। जिस टाइम किसी सुंदर साथ ने संशय पूछा है, इनमें से कोई भी किसी को भी उस समय मिलता है, वे उसके डाउट का उनका वही उत्तर देंगे। यदि सुंदर साथ को नहीं समझ आ पा रहा, उनको कॉल से बताया जाएगा, या फिर काफी सुंदर साथ का वो डाउट है तो एक जूम सेशन अलग से उन डाउट के लिए किया जाएगा। हाँ जी, तो इसका लिंक भी आज ही चैट में पेस्ट कर दिया जाएगा, और बाकी सारे ग्रुप्स में इस व्हाट्सएप जो नया बनाया गया है उसका लिंक आपको डाल दिया जाएगा। आप सब उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि उसकी लिमिट खत्म हो जाती है, यूट्यूब के सुंदर साथ, फेसबुक से देखने वाले सुंदर साथ बहुत काफी सारे हैं देश विदेश से जुड़े हुए, यदि उसकी लिमिट खत्म हो जाती है तो श्री प्राणनाथ जी वाणी 2 के नाम से, 3 के नाम से, 4 के नाम से और ग्रुप्स बनाए जाएंगे, और उसमें संशय और ये सारे डाउट कमेटी उनका एडमिन रहेंगे ताकि ये सारे उनके जवाब दे सके। हाँ जी, तो अगला है, उसमें कोई भी ना प्रणाम जी कोई अदर पोस्ट उसमें नहीं डाली जाएगी ताकि संशय निवारण उसका मुख्य उद्देश्य रह सके। उसके बाद है, अब हम सुंदर साथ ने कल जब ये सुना तो फ्राइडे सेशन यानी हर शुक्रवार या तो पूरी क्लास या फिर आधी क्लास केवल और केवल संशय निवारण के लिए रखी जाएगी। यदि बहुत सारे संशय हैं तो पूरी, और यदि थोड़े कम हैं तो आधी क्लास, आधा घंटा पूरा संशय निवारण को दिया जाएगा। और यदि कोई नई शोभा खुलकर श्री राजजी महाराज की मेहर से सामने आई है तो उसको समझने में थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी दिक्कत होती ही है, उसको वैसे ही 2-3 बार रिपीट जरूर किया जाएगा, और नई शोभा वाले शुक्रवार में ये क्लास जरूर रखी जाएगी पूरे घंटे की। हाँ जी, हाँ जी आशीष जी, जी तो नेक्स्ट जो है वो हमारा है आस्क डाउट रेजोल्यूशन सेवादार सुंदर साथ। ये जो फोन नंबर्स हैं ये सारे ग्रुप्स में, फेसबुक में, यूट्यूब में सबके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो ये सेवा समिति जो बनाई गई संशय निवारण के लिए, आप उनको कॉल करके भी इसके बाद पूछ सकते हैं, यदि क्लास के बाद भी रिजॉल्व नहीं होता तो आप उनकी सेवाएं भी जरूर लीजिए, उन सुंदर साथ को बहुत खुशी होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यदि आपको ये 2 स्टेप्स करने के बाद भी समझ नहीं आई तो क्या करें, वॉच वीडियो, मैप्स मॉडल्स सब शेयर किए जा रहे हैं साथ साथ, प्रियंका जी के, मनन जी के, जो जो मैप्स बनते जा रहे हैं हर दिन वो शेयर किए जा रहे हैं मोस्टली, तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, क्योंकि जिन सुंदर साथ को मोस्ट प्रोबेबली समझ आ रहा है वो 2 साल से बैठे हैं सुंदर साथ जी, बहुत कड़ी मेहनत की है उन्होंने, हमने, मेरे और आशीष जी जैसे सुंदर साथ, आशीष जी का कभी कभी मिस हो जाता है, उनको समझ में नहीं आ पाता, फिर उनको बैठ के थोड़ा सा हेल्प करो उनको आने लगता है। मैं 2 बैचेस बिल्कुल मूक दर्शक बन के बैठी रही हूं, मेरी बुद्धि में भी जल्दी, जीव के स्वभाव उनकी बुद्धि अलग अलग होती है, तो मेरे और आशीष जी
जैसे सुंदर सार जो जल्दी नहीं समझ पाते हैं वो वीडियो को, और अगर नई शोभा आई है जिसका पहले कोई वीडियो भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसी बैच के वीडियो को बार 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 दो तीन बार काम करते हुए चलाए रखें, कुछ तो अंदर जाएगा। तो उन वीडियो को बार बार देखें, मैप्स को खोल कर देखें, मॉडल्स को खोल कर देखें जो कि आपसे शेयर किए जा रहे हैं, और अगर वो शोभा पिछले बैचेस में कवर हो चुकी है तो फिर उनको भी देखिए अलग अलग मुख से, क्या पता कहां से सुंदर साथ के दिल में क्या आ जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप, इतना कुछ करने के बाद भी यदि सुंदर साथ को नहीं समझ आया तो हमारे स्वामी जी की चर्चा में लिखा स्वाध्याय करना है हमें। वाणी टीका का मंथन जो हमारे पास है, बड़ी वृत्त सारे परमहंस सुंदर साथ जी की, लाल दास जी की, जवाहर दास जी की, जुगल दास महाराज जी की, सबकी बड़ी वृत्त आपके साथ शेयर की जा चुकी है, उनका मंथन कीजिए। और जब सारे ऑप्शंस थोड़ा सा ऊपर कीजिए, हाँ जी, तो व्हेन ऑल ऑप्शंस, ये बहुत सुंदर लगा आशीष जी ने जब ये लिखा, उनके दिल में ये विचार आया, ये धाम धनी ही तो देते हैं सुंदर साथ जी। व्हेन ऑल ऑप्शंस अबव एंड ऑल एफर्ट्स एंड एवेन्यूज ऑफ सपोर्ट फ्रेमवर्क आर एग्जॉस्टेड, यानी के सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, सब कुछ करके भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने आप से पूछिए, डू आई स्टिल हैव अ डाउट, क्या मेरे पास अभी भी संशय है? तो थैंक्स गिविंग टू, उसके बाद क्या कीजिए सुंदर साथ जी, थैंक्स गिविंग टू सुंदर साथ और राजजी, श्री राजजी महाराज का और उन सुंदर साथ का जो ये समझाने की सेवा कर चुके हैं, जो ये डाउट्स लेने की सेवा कर रहे हैं, उन सब का दिल से धन्यवाद कीजिए कि कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर जरूर गया है। और उसके बाद का स्टेप राजजी का शुक्राना जरूर कीजिए, और इस विचार को जरूर पढ़िएगा सुंदर साथ जी, अपनी क्वेरी, अपना प्रश्न, सबमिट योर क्वेरी टू श्री राजजी महाराज। इतने स्टेप्स लेने के बाद भी यदि नहीं समझ में आता तो अपने प्रश्नों को राजजी को सौंप दीजिए, अपने प्रश्न राजजी महाराज के चरणों में अर्पित कर दीजिए, धीरे धीरे वो ज्ञान का ऐसा प्रकाश आपके अंदर, वो मोमबत्ती, वो दिया जला देंगे जो कि आपको तो गाइड करेगा, पता नहीं आपके दिल में वो कौन सी शोभा खुल जाए जब आप राजी से बात करेंगे, शायद वो आप प्रकाश बाकी सब सुंदर साथ को भी दे पाएंगे। स्लोली लाइट ऑफ नॉलेज विद किंडल will kindle inside your pure heart, leading you to such a solution that will become a guide and inspiration for others. आप सब के चरणों में प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और कल की क्लास जो कि आपको कहा गया था, कमिट किया गया था, कल की क्लास जरूर की जाएगी, पर उसके बाद कल यानी सैटरडे सेम टाइम पर भी क्लास रहेगी, परंतु सुंदर साथ जी गोपियों के साथ भी उनके परिवार लगे हुए थे, उनके तो माया के परिवार थे सुंदर साथ जी, मेरा तो परिवार भी राजी ने सुंदर साथ का ही दिया, बहुत सौभाग्यशालिनी हूं मैं कि गोपियां तो माया के परिवार की सेवा भी डटकर करती थी, मुझे तो अपने इस सुंदर साथ के छोटे से परिवार की भी सेवा करनी है, और इस सुंदर साथ परिवार की भी राजी ने सेवा सौंपी है तो वो भी बहुत प्यार से करनी है। आप मेरी बात को जरूर दिल से समझेंगे कि मैं एवरी शनिवार नहीं आ सकूंगी, परंतु कल जरूर आएंगे, और हम बीच में यदि फिर भी सुंदर साथ जी संशय रहते हैं तो हम नेक्स्ट वीक बीच में एक दिन शाम को, ताकि हमारा परिक्रमा सहूर भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो, सुंदर साथ कितना आनंद लेते हैं उसमें, हम शाम को एक क्लास जरूर रखेंगे जिसमें बाकी के संशय भी निवारण हो जाएं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना और है कि हमारे बहुत सारे सुंदर साथ न्यू ईयर पे यानी के नए साल पे श्री पन्ना जी के दर्शन करने जाते हैं, तो श्री पन्ना जी से भी हमें कुछ सुंदर साथ के रिक्वेस्ट प्राप्त हुए और जाने वाले सुंदर साथ के भी कि उन दिनों में क्लास आगे नहीं बढ़ाई जाए, तो हम लोग भी यहाँ पर एक हफ्ते की छुट्टी लेना चाहेंगे, यानी के
27 नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक यानी ये आने वाला वीक नहीं, उसके बाद 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हम लोग भी छुट्टी यहाँ पर लेना चाहेंगे, ताकि वहां के सुंदर सार भी पूरा आनंद ले। परंतु सुंदर सार जी, जो वीडियो आपके छूट गए हैं, जो संशय आपके छूट गए हैं, ये वीक को, इस सप्ताह को हमने उसमें प्रयोग करना है, हमने वेस्ट नहीं करना इसको। तो ये छुट्टियों का हॉलीडेज होमवर्क है कि हम सब ने उसको अच्छे से करके रखना है, ताकि जब हम वापिस आते हैं तो बिना संशय के, कितनी खुशी होती है जब जिस बच्चे ने हॉलीडे होमवर्क पूरा किया होता है वो चहक रहा होता है। तो ऐसे सब चहकते हुए सुंदर साथ हमें मिलेंगे, और बीच में भी जिस जब जब सपोर्ट चाहिए होगी, राजी महाराज अपने आप किसी सुंदर साथ के थ्रू वो सपोर्ट जरूर जरूर भेजेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे वो हमें। और एक बात सुंदर साथ जी, और सुबह सुबह कानपुर सुंदर साथ के ग्रुप में बड़ा अच्छा इसी से रिलेटेड ही एक मैसेज आया, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। अर्जुन जब जाते हैं स्वयंवर में जाते हैं द्रौपदी के, तो वहां पर क्या होता है, मछली की आंख पे निशाना साधना होता है, और वो पानी में होती है मछली, और वो भी उस पे खड़े होते हैं कि उनको अपना बैलेंस भी करना है और उधर मछली पे निशाना भी साधना है। कृष्ण क्या कहते हैं उनसे, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अर्जुन बहुत ध्यान से करना, तुम निशाना बहुत अच्छे से साधना, मछली की बिल्कुल आंख पे ध्यान देना, तराजू पर अपना बैलेंस भी साथ में बनाए रखना, ये भी करना, ये भी करना। अर्जुन कहते हैं, भगवान यदि सब कुछ मैंने ही करना है तो आप क्यों साथ जा रहे हो, आप क्या करोगे। तो वो कहते हैं, तुम अपना प्रयास पूरा कर लेना, उसके बाद जो तुम्हारे हाथ में नहीं होगा ना वो मैं करूंगा। तो उसने बोला, क्या करोगे आप, बोलते हैं पानी को स्थिर मैं रखूंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम मछली की आंख पे निशाना साध पाओ। तो सुंदर साथ जी, अपनी तरफ से मेहनत पूरी करनी है हमने, आगे श्री राजी महाराज बैठे हैं, चिंता ना कीजिए, इस माया के भवसागर को स्थिर कर देंगे हमें वो अर्श का खजाना दिखाने के लिए। बिल्कुल चिंता नहीं करनी मेरे प्यारे सुंदर साथ, नहीं समझ में आता आता जाएगा, वीडियोस देखिए, इतने सुंदर साथ बैठे हैं हमारे पास आशीर्वाद प्रेम और सहयोग देने के लिए। आपका बहुत सारा समय लिया, उसके लिए आपके चरणों में चरण वंदना। और एक बड़ी प्यारी शोभा मधु दीदी ने हमें कल, उन्होंने मैसेज किया, मुझे लगा नहीं नहीं मधु दीदी की मधु आवाज, मधुर आवाज में ही यदि हम वो डिफरेंस समझेंगे तो हमें और सुंदर लगेगा। मधु दीदी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ और मैं शेयर भी करती हूँ जो आपने कल बोला था। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी दीदी, हाँ जी, आप बता दो सोनू। नहीं आप बताइए, बल्कि आप रिवीजन भी कराया करें, आप सुंदर साथ तो इतने प्यारे हैं कि आवाज सुन के ही समझ में आ जाती है आपकी बात। हाँ जी दीदी, जी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम पिछले कुछ दिनों से बड़ी अच्छी शोभा समझ रहे हैं, किस तरह वृक्षों का मिलान हो रहा है, किस तरह छत्री मंडल बन रहे हैं। तो सभी सुंदर साथ ने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी अच्छी वो डिफरेंसेस भी बताए और शोभा भी बताई, वहां पे खड़े होकर, वहां पे रमन कर कि कैसा उन्हें महसूस हुआ, क्या देखा उन्होंने। तो राजी महाराज की मेर से मेरे अंदर भी एक शोभा अर्पिया जी ने खुद ही स्वयं ही डाली, जिसका मैं आप सबसे शेयर करती हूँ, कि अगर हम लोग वट पीपल की चौकी की तरफ परिक्रमा रॉस पर खड़े हैं, जो बाहर हमारी एक मंदिर की परिक्रमा रॉस है, उसके छज्जे के आगे हम खड़े हैं, छज्जे के साथ लगकर, कठेड़े के साथ लगकर, तो हमें सामने क्या क्या शोभा नजर आएगी। तो काफी सुंदर साथ ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स बताए। तो मुझे लगा कि इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर हम कठेड़े के साथ लगकर खड़े हैं तो हल्का सा भी हम नीचे नजर करते हैं तो हमें हमारे जो चांदे आ रहे हैं हमारे परिक्रमा रॉस के साथ लगकर, जो हर हाथ में हमारा एक चांदा आया है, एक मंदिर का लंबा, एक मंदिर का चौड़ा, और उसके ऊपर चबूतरा उठा, चबूतरे के दाएं बाएं सीढ़ियों की सुंदर शोभा, नगन जड़ित सीढ़ियां रंग बिरंगी झलकार करती हुई, तो उसकी शोभा हमें जरूर नजर आएगी अगर हम
परिक्रमा रॉस के कठेड़े के साथ लगकर खड़े हैं प्रथम भूम में ही, जो हमारा रंग महल का चबूतरा है उसके जो एक मंदिर की परिक्रमा रॉस है उसके कठेड़े के साथ लगकर खड़े हैं। और अगर हम उस चांदे के ऊपर हम सब सखियां बैठ जाती हैं, उन सीढ़ियों पे बैठ जाती हैं, हंसती खिलखिलाती बातें करती और हमारी नजर वट पीपल की चौकी की तरफ जाती है तो हमें प्यारी प्यारी सखियां उन हिंडोलों में झूलती हुई भी नजर आएंगी तो कितना सुंदर लगेगा वहां का दृश्य, कितनी मनोहर सीन होगा वो कि सब सखियां ताली मारती हुई और चार ताली के हिंडोलों में झूल रही हैं और जंजीरों की कुंडों की बड़ी मधुर ध्वनि निकल रही है, रंग बिरंगी सब तरफ झलकार हो रही है। तो ये शोभा मुझे वट पीपल की चौकी की तरफ नजर आई, जबकि मैंने रंग महल की तरफ जाकर देखा कि उसकी परिक्रमा रॉस पर खड़े होके देखा सात पनों के सामने, तो वहां पे तो पिठौर के साथ वृक्ष आया ना, तो वहां पे तो कोई चांदे की शोभा मुझे नजर नहीं आई। तो इस तरह से मुझे ये एक डिफरेंस लगा कि इधर तो सुंदर चांदे हैं और हिंडोलों की शोभा है और रंग महल की तरफ तो सिर्फ पिठौर के साथ बस वृक्ष की तना ही हमें नजर आ रहा है और सामने देखते हैं तो और सारी चंद्रमापुरा और सात वनों की शोभा हमें जरूर नजर आएगी। प्रणाम जी, बाकी सुनो आप अच्छे से समझा दो। प्रणाम जी, मधु दीदी आपने इतने सुंदर इतने अच्छे से समझाया कि वहां बैठकर कितनी मधुर ध्वनि कितना प्यारा आपने वर्णन किया, सब सुंदर साथ जिनके दिल में नहीं भी ये शोभा आई होगी वो भी जरूर जरूर आ गई होगी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और मधु दीदी आप ये जो छत्री मंडल है ना दोनों, आप एक दिन इनको भी रिवाइज कीजिए, सुंदर साथ को और अच्छे से समझ में आएगा। तो यदि हो सके तो कल आप इन दोनों छत्री मंडल को जरूर एक बार सुंदर साथ को एक्सप्लेन कीजिएगा। प्रणाम जी, कोशिश करूंगी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं उन छत्री मंडल की तरफ। ये देखिए तो ये जो सुंदर साथ को थोड़ा थोड़ा शनै शनै हम करेंगे एक बार फिर से, ताकि हम सुंदर साथ को कोई संशय रहे ही नहीं, रहे भी तो क्या, उन सुंदर साथ से बात करनी श्री राजी महाराज ने लिखी होगी ना कि मेरी सखी ये आज मधु को कॉल करें, आज इनको कॉल करें, आज नरेश जी को कॉल करें, तो वो भी राजी ने लिखा होगा हमारे की उनसे बात होनी है। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, सबसे पहले आप सात वनों में आ जाइए। सात वनों में सबसे पहले वृक्ष, ये देखिए यहां से हमने किया था ना सुंदर साथ जी, सात वन कहाँ पर है, सात वन है पूर्व दिशा में रंग महल के बिल्कुल सामने आए हुए हैं तीन वन, और बाकी सारे वन इधर और इधर, दाएं और बाएं, यानी अनार अमृत और जांबू जो है वो इनसे लगते हुए, इनसे लगते हुए श्री रंग महल से बीच में चांदनी चौक का जो भाग है उसमें खुला छोड़ा गया, वहां चबूतरे की पिठौर पर कोई वृक्ष नहीं लगाए गए ब्यूटी के लिए, कि सामने वो दस मंदिर का हांस और उसके आसपास भी पूरे 166 मंदिर खुली शोभा हमें वहां से दिखाई देती है। तो ये शोभा शुरू कहाँ से होती है सुंदर साथ जी, बड़ा प्यारा एक बड़ी ही सुंदर शोभा जो बनाई गई है वो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए, आई होप कि मुझे मिल जाए जल्दी से पूर्व दिशा। हाँ जी ये देखिए एक बार, बड़ा ही प्यारा, ये उस दिन अनीता मलिक दीदी ने जो क्वेश्चन डाला सुंदर साथ के दिल में से, वो क्वेश्चन ने इतनी शोभा अंदर बसा दी कि उसका पारावार नहीं है। ये देखिए ये बड़ा हमें हेल्पफुल होगा आज कि ये सात वनों का, ये अमृत वन जांबू वन का कितना पार्ट जो है वो श्री रंग महल से पिठौर में वृक्ष लगे हुए हैं, कहाँ से शुरू होता है, ये है हमारी चांदनी चौक की हद। चांदनी चौक कितना लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी, चैट में लिखेंगे फटाफट, चांदनी चौक कितने लंबे चौड़े हैं हमारे श्री चांदनी चौक। हाँ जी बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही। तो हमारे जो चांदनी चौक है, चैट में लिखेंगे सुंदर साथ क्विकली, कितने लंबे चौड़े हैं हमारे श्री चांदनी चौक। हमारे चांदनी चौक है
166 मंदिर के लंबे चौड़े, यानी कि 166 मंदिर। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। अब 166 मंदिर में से कितना पार्ट इस तरफ आता है, 166 मंदिर में से कितना पार्ट जो है वो इस तरफ आता है सुंदर साथ जी, यानी आधा आधा कर दीजिए। आधा भाग तो उनका हो जाएगा उत्तर की तरफ, आधा इधर बांट दीजिए क्योंकि हम ये दिशा डिस्कस करने वाले हैं। तो 166 का आधा हुआ 83, यानी 83 मंदिर हुए इस तरफ, है ना, इस तरफ हुए 83 मंदिर चांदनी चौक की हद में आते हुए। ये याद नहीं रखना, आपने ये याद रखना है कि इतनी जगह छोड़ने के बाद ये छत्री मंडल शुरू होता है। तो जब ये आप इतनी जगह कवर कर रहे हैं ना, तब तक आपको वो छत्री मंडल के दर्शन नहीं होते हैं। तो वो कितने मंदिर हैं, 83 मंदिर। 83 में से ये पूर्व का हांस बड़ा स्पेशल था, आपको याद है ना, ये तो हमने कितनी बार इन प्यारे से हांस को किया है। तो ये पूर्व के हांस के कितने मंदिर, उनको भी आधा कर दीजिए ना, 5 मंदिर तो उत्तर की तरफ आ गए, 5 दक्षिण की तरफ। तो ये 5 मंदिर तो हो गए हमारे, 83 थे ना, 83 में से 5 मंदिर हमारे हो गए स्पेशल हांस के, बाकी बचे 78 मंदिर। 78 मंदिर में 78 और 5 83 होता है ना, 78 को ये बड़ा अच्छा, नीता दीदी आपने प्रश्न पूछा, नरेश भैया ने बड़ा अच्छा इसको समझाया भी, और प्रियंका जी देखिए मैप बनाकर कितना सुंदर ले आई कि सुंदर साथ के दिल में और ये शोभा पक्की हो जाए। तो 5 मंदिर ये, और अगला वाला जो हांस होता है वो हमारा थोड़ा छोटा होता है ना, बाकी तो 30-30 मंदिर के हांस है, ये वाले हांस 25 के हो गए क्योंकि इन्होंने अपने 5 मंदिर स्पेशल हांस को दे दिए हुए हैं। तो अगला हांस हमारा आया 25 मंदिर का। कितने मंदिर हमने कवर कर लिए अब तक, 25 और 5 30 मंदिर आगे आ गए हम। हाँ जी, अब 30 मंदिर के बाद एक और हांस आ गया, 30 मंदिर और कवर हो गए, तो ये 60 मंदिर आगे आ गए हम। अब 60 के बाद अभी 23 मंदिर ही और चले थे कि वो 83 मंदिर पूरे हो गए, मतलब चांदनी चौक खत्म हो गए उसमें। ये देखिए पहले 5 मंदिर, अगला हांस हमारा छोटा है तो 25 मंदिर, फिर एक और हांस निकल गया, मतलब ये टोटल 60 मंदिर हम आगे चले गए, और फिर पूरा हांस नहीं जा पाए थे क्योंकि 90 हो जाएंगे, 83 में ही चांदनी चौक की हद खत्म हो गई। तो ये 7 मंदिर अगले गुर्ज मिलने तक, क्योंकि हांस हांस की संधि पर ये ब्लू कलर के गुर्ज आए हुए हैं, ये मिलने तक केवल 7 मंदिर हमारे पास बचे थे कि ये गुर्ज आ गए हमारे। तो यहां से हमें छत्री मंडल की बस ये शोभा बसाने के लिए गिनतियां, बिगिनर सुंदर साथ गिनतियां नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, हमने स्पेशल हांस को पार किया, ये 2 हांस पार किए थे कि तीसरा हम आगे गए थे, आधे से ज्यादा हुआ ही था कि हमारी चांदनी चौक की हद यहाँ खत्म हुई और वो छत्री मंडल का पहला वृक्ष हमारे सिर, हमारे शीश कमल के ऊपर हमें उनके दर्शन होते हुए। तो अब आप ये समझिए, जो सुंदर साथ को मिलान थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा था, तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हर एक पिठोर पे हमें, यहाँ शुरू होते ये पिठोर में वृक्ष लगने शुरू हो गए हर 2 मंदिर के अंतर पर, ये धाम चबूतरे की पिठोर पे वृक्ष लगने शुरू हो गए यहाँ पे। सोचिए ये धाम चबूतरे की अगर पिठोर है, उन पिठोर ने क्या किया, अब इन्होंने आगे जाके झरोखों से मिलान करना है ना, तो ये पिठोर से हम इन झरोखों का मिलान देखते हैं एक बार, किस प्रकार इन्होंने उन झरोखों से अति सुंदर मिलान किया। फिर मैं प्रश्न भी पूछूंगी सुंदर साथ जी, किस प्रकार, कितना आप देते जाइएगा, चैट में उत्तर देते जाइएगा। तो ये हैं हमारे पिठोर से लगे हुए 2-2 मंदिर के अंतर पर, ये देखिए 2 मंदिर बीच में निकल गए हैं। अच्छे से मैप की एक एक शोभा को देखिए, 2 मंदिर खत्म हुए, फिर से दूसरा वृक्ष आ गया इस पाखे की दीवार के बिल्कुल नीचे, ये वाला वृक्ष चबूतरे से लगा हुआ पाखे की दीवार के सामने। ये वृक्ष पहला वाला कितना ऊंचा गया सुंदर साथ जी, 100 मंदिर की तो ये हमारा धाम चबूतरा, 100 हाथ का तो धाम चबूतरा, 1 मंदिर का 22 हाथ इनको और ऊंचा जाना पड़ा झरोखों से मिलने के लिए। केवल पहले वृक्ष 122 हाथ,
यानी 100 हाथ गए, 22 हाथ में इन्होंने उत्तर और दक्षिण तरफ ये डालियां बढ़ाई, प्लेन किया ऊपर अपना, फूल पत्तियों से बिल्कुल ऊपर प्लेन छत बनाई और ऐसे, वेरी गुड सुंदर साथ जी, सो स्वीट ऑफ यू, कितने सुंदर सुंदर उत्तर और सारे ही करेक्ट। तो ये इन्होंने यहाँ पर क्या बना दिया, छज्जों से जाकर मिलान कर दिया। अब सब सुंदर साथ बताइए कि जब इन्होंने छत को आगे बढ़ाकर छज्जों से नहीं, ये झरोखे होते, झरोखों से भी मिलान किया, रंग महल की दीवार से भी मिलान किया, तो रंग महल की दीवार से जब मिलान किया रफली, ये कितना मंदिर आगे बढ़े, क्या परिक्रमा रौं से इन्होंने कवर की या कुछ और भी कवर किया? ये चबूतरे से लगे हुए हमारे वृक्ष हैं, चबूतरे से लगे हुए वृक्ष, तो इन्होंने 22 हाथ ये ऊपर गए, इन्होंने अपनी छत्री मंडल ये छत बनाई और खींच लिया धाम धनी ने उनको अपनी तरफ। तो ये कितने हाथ का इन्होंने छत्री मंडल डाला, बिल्कुल सही। यदि तो झरोखे से मिलान किया तो एग्जैक्टली कहें तो 95 एग्जैक्ट में मत जाइए, तो रफली एक मंदिर का इन्होंने पूरी नीचे परिक्रमा रौं से एक मंदिर किया ना, पूरा छत्री मंडल अपने ऊपर देखेंगे तो ऊपर पूरा एक मंदिर का वो छत्री मंडल पूरी जगह कवर हो गई आपकी, ठीक है। और इनके बीच बीच में से कठेड़े भी दिखेंगे आपको, हमारे कठेड़ा जो आया हुआ है ना, क्योंकि वहां से तो हम बाहर आ ही नहीं पाएंगे उस कठेड़े से। तो ये तो हुए हमारे पहली भौमिन वृक्षों की। अब हम देखेंगे दूसरी भौमिन वृक्षों ने किन से मिलान करना है सुंदर साची, दूसरी भौम ने भी क्या झरोखों से मिलान करना है, किससे मिलान करना है दूसरी भौम इनकी जब उठेगी? हाँ जी बिल्कुल सही अनु शर्मा जी, सुनीता सिंगर जी, मेघना जी, पहली बार सीख रहे सुंदर साथ, बहुत ही सुंदर, सारे सुंदर साथ बहुत प्यारा। तो छज्जों से वो मिलान करेंगे, छज्जों से मिलान करेंगे तो कितना ऊपर उठेंगे, क्योंकि ये वृक्ष ऑलरेडी 22 हाथ ऊपर आ चुके हैं, ऑलरेडी 22 हाथ ऊपर आ चुके हैं, तो कितनी जगह यहाँ बच गई अब हमारे पास, कितना और ऊपर जाना है इन वृक्षों को, केवल 78 हाथ और ऊपर। आप बिगिनर सुंदर साथ इग्नोर काउंटिंग, आप गिनती मत सुने, बस ये सोचें थोड़ा सा छोटा वृक्ष, ये थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा छोटा वृक्ष, क्योंकि ये थोड़े ज्यादा ऊंचे हो गए हैं ना, तो थोड़े से कम ऊंचे वृक्ष यहाँ पे हमें पहली हार में मिलेंगे। तो जो सुंदर साथ सीख चुके हैं वो एग्जैक्टली कर लें, 122 हाथ और 78 हाथ, पूरे 200 हाथ कंप्लीट हमारे छज्जों से मिलने के लिए, अति सुंदर। तो पहली हार हमारी ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम करेंगे इनके पीछे एक, मैं और आपको बताऊंगी, मेरे दिल में जब मैंने ये 7 वन पढ़े ना, इतने सुंदर सुंदर प्रश्न आते थे सुंदर साथ जी, महाराज जी के वृत्त में से जवाब मिलते जाते थे। एक और बड़ा सुंदर प्रश्न यहाँ पर आया था, पूरे 7 वन निकल गए, श्री बट पीपल की चौकी निकल गई। अभी मैंने फूल बाग को पढ़ना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा कि महाराज जी ने कोई पर्ची यहाँ छोड़ी है, तो वो हिंट वहां मिला और वो शोभा भी काफी सुंदरता से क्लियर हुई, वो मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो ये पहला वृक्ष ऊंचा और उसके ऊपर दूसरा वृक्ष थोड़ा सा छोटा उन्होंने एडजस्ट किया, क्योंकि इन्होंने बहुत ऊंचाई ले ली है, अति सुंदर 122 और 78, क्योंकि इन्होंने झरोखों से मिलान करना है, डिफरेंट है, और इन्होंने छज्जों से ही कर लेना है। अगर इन्होंने भी झरोखों से करना होता तो पूरे 100 ऊपर चले जाते, पर इन्होंने तो छज्जों से किया तो नीचे रह गए, झरोखों से नीचे ही 78 हाथ ये ऊपर चले गए पहली। तो अब क्वेश्चन बताइए, ये वृक्षों ने कितना आगे गए, ये वृक्ष ने कितना छत्री मंडल डाला, एक मंदिर या दो मंदिर या आधा मंदिर? ये जो पहली हार के वृक्ष हैं परिक्रमा रौंस के ऊपर जाकर छज्जों से मिलान कर रहे हैं झरोखों से, तो कितना छत्री मंडल इन्होंने डाला है, एक मंदिर, दो मंदिर या आधा मंदिर? बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, वेरी गुड, एक मंदिर की ही परिक्रमा रौंस, तो एक मंदिर का ही छत्री मंडल डाल दिया, क्योंकि ये तो परिक्रमा रौंस से बिल्कुल लगे हुए हैं, साथ में सटे हुए, और ये वृक्ष भी उसी तने के ऊपर, तो इनका तना उठा है, तो इन्होंने भी कितना छत्री मंडल डाला सुंदर साथ जी, दूसरी हार ने कितना छत्री मंडल आगे बढ़ना पड़ा, ये ध्यान से सोचिएगा, एक मंदिर 67 हाथ या 33 हाथ बताइए? हाँ जी बिल्कुल सही, एक मंदिर 63
67 हाथ, ये येलो येलो क्या है, ये छज्जा बड़ा हुआ है ऑलरेडी, छज्जा क्योंकि ऑलरेडी 33 हाथ बाहर है ना, तो इनको पूरा मंदिर अंदर जाना ही नहीं पड़ा। राजी बोलते हैं मैंने इधर पहले ही तुम्हारे मिलान की तैयारी कर रखी है, 33 हाथ राजी ने पहले ही बढ़ा रखे थे। तो रफली सुंदर साथ, नए सुंदर साथ एक मंदिर से इसको समझ सकते हैं, जो सीख चुके हैं ये 33 और ये 67 मिलके, ये भी एक मंदिर, ये भी एक मंदिर मिलके हो जाता है। तो दोनों ने एक मंदिर का ही छत्रिमंडल उनकी तरफ बढ़ाया। अब हम चलते हैं इनके पीछे वाली हार की तरफ। अब ये आए हमारे, ये जो दो मंदिर की रौंस बीच में आ जाती है ना, दो वृक्षों के, इन वृक्ष के दो मंदिर के बाद ये दूसरी हार के वृक्ष शुरू हुए। अब ये कितने थे, नॉर्मल साइज, इनको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने जो रोखों से थोड़ी मिलान करना है जाके, तो ये नॉर्मल साइज के वृक्ष। हां जी बिल्कुल सही, लिखते जाएंगे ना सुंदर साहब जी आपको आता जाएगा। 180 उत्तर हो चुके हैं, हमने एक दिन 500 करने हैं सुंदर साहब जी, बहुत सुंदर। ये देखिए सब लिखेंगे आज ही 500 हो जाएंगे। ये देखिए ये 100 हाथी ऊपर गए, ये सारे वृक्ष नॉर्मल हमारे जैसे सुंदर साथ, नॉर्मल साधारण सुंदर साथ जो कि रहनी में उतरने की पल पल कोशिश कर रहा है, 100 हाथ के वृक्ष, 75 हाथ में तना, 25 हाथ, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बिगिनर सुंदर साथ गिनतियों को छानते जाइए छन्नी से। तो 75 हाथ और 25 हाथ इन्होंने डालियां बढ़ाई, अभी इन्होंने डालियां बढ़ाई हैं, अभी ये छत को प्लेन करेंगे, अगले स्टेप में छत प्लेन हो रही है। ये देखिए ये इनकी, इन्होंने छत प्लेन कर दी। अब क्या हुआ, सामने आने वाले वृक्ष तो थे ऊंचे और ये थोड़े छोटे हैं, तो उन्होंने क्या किया, प्यार से 22 सीढ़ियां नीचे उतार दी। 22 साथी तो ऊंचे गए थे, वो 22 सीढ़ियां उन्होंने कितने प्यार से नीचे उतारी, परंतु इनका डिफरेंस, इनका डिस्टेंस तो दो मंदिर का था, 22 हाथ से तो काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या किया, 22 तो सीढ़ियां उतार दी, बाकी जो दो मंदिर में जगह बच गई थी वो सीधी प्लेन आप चल के जा सकते हैं। सीढ़ियां उतरिए और बाकी दो मंदिर में से जो भी जगह बची है, नए सुंदर साथ ऐसे ही समझेंगे तो वो गिनतियों पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। 22 हाथ उतरे और बाकी बहुत सारी जगह दो मंदिर में से जितनी भी बची वो चल कर, आपको नहीं चलना, जमीन चल रही है वहां, चेतन जमीन आपको भगा कर ले गई इनकी छत पर। तो दो मंदिर में से बचे 178 हाथ, 22 सीढ़ियां, 178 हाथ, दो मंदिर हमारे कवर हो गए, हम यहां तक पहुंच गए। मैं आपको अपना प्रश्न बताती हूँ। अब इनके आगे इनकी भी ऊपर की भूम जाएगी, वो भी नॉर्मल, ये भी 100 हाथ का, वो दूसरा भी 100 हाथ का आएगा, हम उनको भी देख लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको अपना प्रश्न भी बताऊंगी। तो ये देखिए ये इन्होंने उतारी 22 सीढ़ियां, इस पे उतरी है सुंदर साथ जी, ये पिक्चर दिल में बसाने वाली पिक्चर है। ये 22 सीढ़ियां उतरे और इतनी सारी 178 हाथ की जगह चली और दूसरे वृक्ष आ गए। अति सुंदर ये शोभा, ये दिल में रमण करना है ना, तो दिस इज द पिक्चर जो आप अपने दिल में बसाएंगे और इन 22 सीढ़ियों पे रमण करेंगे। अब इनकी क्या हुई, ये देखिए ये 22 सीढ़ियां उतर कर आप आगे आए और उसके बाद चले और उसके बाद आपको दो मंदिर के अंतर पे फिर बाकी सारे वृक्ष आपको मिलते ही जाएंगे, मिलते ही जाएंगे। अब इन्होंने भी अपनी छत प्लेन की और उसके ऊपर फिर से इन्होंने अपनी भी 100 मंदिर का एक और वृक्ष, दूसरी भूम भी तो उठनी है ना, वो सारी चांदनी बराबर है, उसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो सारी चांदनी एक बराबर, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम, चाहे कोई 22 122 हाथ के थे, ये देखिए तीसरी चांदनी पर तो पता ही नहीं लग रहा कि 122 हाथ भी कोई वृक्ष उठे थे, 78 भी थे या 100 भी थे। तो राजी महाराज ने यहाँ बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया, आपने श्री बट पीपल की चौकी भी समझी, आपने सात वनों का मिलान भी समझा, आपने श्री चहबच्चा की वो मिलती हुई सीढ़ियों के भी दर्शन कर लिए। राजी ने कितना अच्छा यहाँ पर हमें एक मैसेज दिया, फर्श पर कोई परमहंस हैं, कोई सतगुरु हैं, कोई 122 हाथ ऊंचे हैं तो कोई 78 हाथ ऊंचे हैं फर्श पर, तो कोई 100 हाथ हमारे जैसे सुंदर साथ नीचे 100 हाथ ही ऊंचे हैं।
किसी के तने मोटे हैं जैसे कि बट पीपल की चौकी में, किसी के तने पतले हैं जैसे कि इन वृक्षों के, बट पीपल की चौकी से कम चौड़े वृक्ष, कोई किसी की बुद्धि मोटी तो किसी की बुद्धि महीन, किसी के जीव का स्वभाव कैसा तो किसी के जीव का स्वभाव कैसा, ये सब फर्श पर। जब आप चांदनी पर पहुंच जाते हैं, जब आप अर्श में पहुंच जाते हैं, तो ये सारी रूहें एक समान, पता ही नहीं लगता कि कौन फर्श पर कैसा था, इस खेल में कोई कैसा था, पता ही नहीं लगता कौन 122, कौन 78 और कौन 100 हाथ का। तो अर्श पर सब सेम टू सेम, परंतु सीढ़ियों से उतर कर जाएंगे तो दिखा करेंगे कि ये 122 के, वो 100 के, पता लगा करेगा कि इस फर्श पर हम क्या क्या करके गए हैं, इसकी बातें वहां जाकर भी हुआ करेंगी। तो आज ही कोशिश कीजिए कि कम से कम 78 से हम 100 तक तो पहुंच जाएं, और जो सीढ़ियां हमारे परम हंसों ने हमारी तरफ बढ़ाई हैं, कम से कम 1, 2, 3 करके कुछ सीढ़ियां तो हम चढ़ जाएं, ताकि वहां जाकर उन सुंदर साथ से बात कर सकें कि आपने मुझे हाथ दिया था और कैसी हंसी ठिठोली वहां अर्श में जाकर हुआ करेगी, इसी चांदनी पर कितना आनंद आया करेगा सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं क्विकली, ये देखिए सुंदर साथ जी, अब हम कहाँ चले, वाओ सुंदर साथ जी, सो प्राउड राजी महाराज, कितने 217 उत्तर आ चुके हैं हमारी चैट में, वाओ बहुत ही सुंदर। अब हम क्विकली चलते हैं हमारी बट पीपल की चौकी की तरफ। ये देखिए इनका मिलान, अभी अभी मधु दीदी ने भी इसका वर्णन थोड़ा सा कर दिया, ये देखिए अब इन्होंने कितनी छतरी बढ़ाई, केवल छतरी बताइएगा, छतरी कितनी बढ़ाई उन्होंने यहाँ पर। एक तो ये परिक्रमा रोंस पर, ये ना सोचिए ये तो वृक्ष का पार्ट है, यहां तक तो ये वृक्ष ही है, ये कितना छत्री मंडल, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, लिखते जाइए कितनी छत्री, आपको समझ आता जाएगा। एक तो परिक्रमा रोंस पे छत्री आई इनकी, और एक जो नीचे एक मंदिर की रोंस आई है ना, क्योंकि ये वृक्ष दूर है, वो तो चबूतरा की पिठौर पे लगे हुए वृक्ष थे, यहाँ पे तो उनको एक ही मंदिर की छतरी बढ़ानी पड़ी, ये वृक्ष बहुत दूर है तो इनको अपना एरिया कवर करने के बाद दो मंदिर की छतरी, छतरी मंडल इन्होंने यहाँ पर बढ़ाया, इसलिए ये दो मंदिर का छतरी मंडल रहा। अब हम ये देखते हैं सुंदर साथ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट शोभा रही, इसके कल डाउट्स भी लिए जाएंगे सेम टाइम पे। यदि सुंदर साथ के कुछ संशय बाकी रहते हैं तो हम लोग शाम को 3:45 to 4:45 यानी कि 4:45 to 5:30 किसी दिन क्लास अनाउंस की जाएगी। जो सुंदर साथ सुबह नहीं आ पाते होंगे वो शाम को YouTube, Facebook, जो सुंदर साथ आज तक नहीं आ पाए इस समय पर, वो भी उसमें आ पाएंगे, आईडी भी उसका सेम रहेगा, ताकि अगर सुंदर साथ ज्यादा भी हो तो वो इसमें समा भी पाएंगे और रिकॉर्डिंग भी हो पाएगी। तो हम इसी आईडी पर किसी दिन शाम की क्लास अनाउंस करेंगे यदि संशय बाकी रहते। अब आ जाइए हमारी मेन चीज पर, ये है हमारे 7 वन के सामने वाला पोर्शन, और ये है हमारे चह बच्चा जी का पोर्शन, और ये है हमारी बट पीपल जी की चौकी का पोर्शन, श्री बट पीपल की चौकी। अब मुझे बताइए सुंदर साथ जी, अभी अभी हमने किया है, ये देखने में बराबर लग रहा है क्योंकि 3D में बनाना बहुत मुश्किल होता है, बताइए 7 वनों की तरफ ये कितना छत्री मंडल था, ये 22 सीढ़ियां है ना, वही वाला पेड़ है जो 122 हाथ ऊंचा गया हुआ है, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, ज्यादा से ज्यादा लिखिए इसमें क्योंकि ये शोभा क्लियर होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो 7 वनों ने, जांबू के वन हो, अमृत के हो, जो भी साथ लगे हुए हैं चबूतरे की पिठौर पर, कितना छत्री मंडल, फोटो में सेम लग रहा है क्योंकि 3D में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत सुंदर ये उन्होंने बनाया है, अति सुंदर। अभी हमने समझा है ये 7 वन जो कि चबूतरे की पिठौर पर लगे हुए हैं, ये कितना छत्री मंडल उन्होंने बनाया, सिर्फ परिक्रमा रोंस को कवर किया क्योंकि वो तो साथ ही लगे हुए हैं, तो कितना मंदिर हुआ सुंदर साथ जी ये, वेरी गुड। तो सारे सुंदर साथ का करेक्ट आंसर ये हुआ हमारा, एक मंदिर का छत्री मंडल। और यहाँ पे सुंदर साथ जी कितना छत्री मंडल है, चह बच्चा के ऊपर सेम वृक्ष, सेम यही कर रहे हैं वो, चह बच्चा की कोट दीवार से लगे हुए हैं, मैं आपको ना एक बार दिखाती भी हूँ,
प्रियंका जी ने अति सुंदर, ये देखिए यहाँ व्हाइट दिख रहा है ना पूरा, और नीचे जांबू के वृक्ष भी आपको दिख रहे हैं इधर पे, और आगे जाके देखिए उन्होंने जांबू, नारंगी और बट का कलर कर दिया इनको, ये अमृत का कलर देखिए कितना सुंदर। तो हर एक को निरखिए, तो ये बिल्कुल सेम ऐसा ही उन्होंने किया, पर कितना छत्री मंडल उन्होंने डाला, क्योंकि चाहे बच्चा की ऊपर की रौंस भी कवर करनी थी, कितने मंदिर की थी सुंदर साहब जी, चाहे बच्चा की रौंस। मैं आपको एक बार श्री चह बच्चा के दर्शन करवाती हूँ, ताकि उनकी रौंस हमें याद आ जाए। हमारी हमारी प्यारी प्रियंका ने तो सब बना के परोस रखा है हमारे सामने। हाँ जी एक मिनट सुंदर साथी, देखिए इतने चैट आए जा रहे हैं कि मैं वाओ मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ एक और चैट आता है, एक और चैट आता है। अरे वाह वाह राजी महाराज, बहुत बहुत आपकी मेहर, और सुंदर साथ का इतना प्यार की जो अंक में समेटा नहीं जा रहा सुंदर साथ जी, अति सुंदर। तो हम श्री चह बच्चा का वो बताइए मुझे, कितना पार्ट उन्होंने यहाँ पर, कितनी छाया उन्होंने डाली हुई है जल्दी से सुंदर साथ जी। एक तो उन्होंने जल चबूतरा कवर किया, ये वाला, ये जल चबूतरा, और एक यहाँ पे जो रौंस आई, एक मंदिर की रौंस, एक मंदिर का जल चबूतरा, तो ये भी दो मंदिर का ही छत्री मंडल, यहाँ एक मंदिर का, यहाँ पर दो मंदिर का, और यहाँ कितना छत्री मंडल था सुंदर साहब जी, यहाँ पर ये श्री बट पीपल की चौकी ने, अभी अभी हमने देखा वो पेड़ दूर है ना, तो उसको परिक्रमा रौंस भी कवर करनी होती है, और नीचे जो चांदों से उतर कर रौंस आई है वो भी कवर करनी होती है, तो कितने मंदिर हो गए, परिक्रमा रौंस और नीचे वाली रौंस, तो हमारे हो गए दो मंदिर। तो यहाँ पर जो छत्री मंडल है वो हमारा कितना रहा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर रहा एक मंदिर का, यहाँ दो मंदिर का, और यहाँ पर भी दो मंदिर का ये छत्री मंडल। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, सुंदर साथ बताएंगे, यदि इस यदि आप एक सुंदर साथ को मैं अनम्यूट करूंगी अभी, तो वो सुंदर साथ हमें लेकर चलेंगे, ताकि सुंदर साथ को अच्छे से क्लियर हो कि हमें जाना कैसे है। तो किरण परनामी जी आप अवेलेबल हो, किरण परनामी जी के मुख से सुनकर सब सुंदर साथ को जरूर ही समझ आ जाएगा। यदि वो अवेलेबल नहीं है तो हम कल उनसे पूछ लेंगे। आई थिंक मधु दीदी को मैं अनम्यूट करती हूँ एक बार। हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आप सुंदर साथ को हम बट पीपल की चौकी के साथ लगते हुए सामने वाले एक मंदिर के अंदर हैं, तो मैं उसका मैप खोल देती हूँ, हम उसके अंदर खड़े हुए हैं, तो हम इस छत्री मंडल से घूमकर मुझे ये मंदिर के अंदर जाना है, पर आप छत्री मंडल से ये 22 सीढ़ियों पे घूम के मुझे इस मंदिर पे जाना है, आप सब सुंदर साथ को लेकर चलिए, इनमें से किसी भी मंदिर के अंदर हैं वो, तो आप इनको भी बाद में उस मंदिर से बाद में निकल के आप इस व्यू को भी जरूर कवर कीजिएगा, ये वाला व्यू। पहले हम इधर से इधर चलेंगे। सुनो मुझे क्वेश्चन पूरी तरह समझ नहीं आया, प्लीज एक बार रिपीट करना। हाँ जी ये जो एक मंदिर है ना श्री बट, मैं बट पीपल की चौकी का नक्शा दिखाती हूँ, हम इस मंदिर के अंदर हैं जहाँ पर छत्री मंडल पड़ा हुआ है ऊपर, तो रंग महल की दक्षिण दिशा के एक मंदिर के अंदर है, और मुझे छत्री मंडल पर होते हुए इस छज्जे पर, इस छत्री मंडल पर होते हुए इन गोल सीढ़ियों से घूमकर ये वाले मंदिर में जाना है जो कि जांबू वन के सामने आया हुआ है, तो कैसे जाएंगे? गोल सीढ़ियां मतलब जो ये वाली सीढ़ियां 22 सीढ़ियों से घूमकर जाने की इच्छा हो रही है आज। हाँ जी तो हम अगर हम उसके मंदिर के अंदर है बट पीपल की चौकी के सामने, तो हम पहले अंदर मंदिर के हैं, तो अंदर से हमें 22 सीढ़ियां मिलेंगी, हम उन सीढ़ियों से चढ़ेंगे, उन सीढ़ियों से चढ़कर हम इस पहली वाले जो हमारा चंद्रमा बना है पहली भूम का, इसके ऊपर आ जाएंगे, इस चंद्रमा के ऊपर, और फिर इस चंद्रमा से घूमते हुए हम, क्योंकि ये हमारा उसके साथ मिलता जा रहा है ना, चाहे बच्चे के साथ पूरा,
तो पूरा हम घूमते हुए पूरी शोभा को देखते हुए, चाहे बच्चे की रोज पर भी पूरा घूमते हुए, जो दो मंदिर की अभी छतरी मंडल डाला है उन्होंने, उसकी जो एक मंदिर की रोज है उसके ऊपर पूरा घूमते हुए, हाँ जी पूरी सामने शोभा देखते हुए, सामने हमारा चाहे बच्चा है फवारे उसमें है और चांदे नजर आ रहा है, हाँ, जो कल हमारी शोभा सुंदर साथ ने बड़े अच्छे से बताई थी कि किस तरह चाहे बच्चे में हमें क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ खड़े होके, तो पूरी इस रॉस को घूमते हुए तो हम इधर आ जाएंगे अपने जो हमारा एक मंदिर का ये बड़ा हुआ है चंद्रमा भारी हार मंदिरों की तरफ, और फिर इसके इससे भी हम अंदर जाएंगे और फिर 22 सीढ़ियां उतर के हम नीचे परिक्रमा रॉस पे आ जाएंगे वहां से। बहुत बट पीपल परिक्रमा रॉस से निकल कर आप यहाँ आकर इसका भी वर्णन कर दीजिए मधु दीदी, यहाँ पर आकर। हाँ जी, परिक्रमा रॉस से अगर हम निकलते हैं बाहर आते हैं तो हम घूमते हुए आ गए अपने उस हांस पे जो हमारा चाहे बच्चे का हांस रंगमहल की दीवार के साथ लगा हुआ है परिक्रमा के साथ। तो यहाँ पे तो कठेड़ा वगैरह कुछ नहीं आया, कठेड़ा तो खैर आएगा लेकिन यहाँ पर छाया नहीं आई हुई है, ये खुली जगह है जहां से हम खड़े होकर पूरा ऊपर तक अपने रंग महल को निहार सकते हैं, और पीछे की तरफ देखेंगे अपने पश्चिम की तरफ तो हमें गुर्ज नजर आएगा, मंदिरों की सुंदर शोभा नजर आएगी, और अगर हम पूर्व की तरफ नजर करते हैं तो हमें चाय बच्चे के ऊपर आया हुआ सुंदर छतरी मंडल जो कि जामू का है, नारंगी का है और वट का है, वो सारा नजर आएगा, उसकी सुंदर डालियां कठेड़े उसके सुंदर, तो जो नारंगी और जामू का है वो तो दो घोंचे हमें छतरी मंडल नजर आएगा, और जो इसका वट पीपल की चौकी का है वो हमें चार भूम ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और उसके सुंदर कठेड़े नजर आएंगे चार भूम ऊपर के, मतलब वट पीपल की चौकी की तरफ से आ रहे हैं तो ऊपर अंदर से हमें सीढ़ियां चढ़ के आना पड़ेगा, और अगर इधर रंगमहल के सामने मंदिरों में जाना है हमें सात वनों के सामने तो हम 22 सीढ़ियां नीचे उतर के परिक्रमा रॉस पे आएंगे, उधर से चढ़ेंगे इधर से उतरेंगे। हाँ हाँ जी, बहुत ही सुंदर मधु दीदी, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। हाँ जी, यहाँ पर बिल्कुल सही मधु दीदी, यहाँ से लेकर देखिए हम अंदर से गए, यहाँ से निकले, कैसे घूमते घामते यहाँ 22 सीढ़ियों पर आए, इसके ऊपर चढ़ के हम फिर से इस मंदिर के झरोखे से ही निकले थे और झरोखे में ही वापस चले गए, झरोखे से फिर 22 सीढ़ियां हमने उतरी, परिक्रमा रॉस जो इनके नीचे आई हुई है, परिक्रमा रॉस से निकलते निकलते आज बहुत घूमा मधु दीदी के साथ, यहाँ पर आए और यहाँ से हमें कितनी प्यारी ये शोभा हमें दिखाई देती है अंदर श्री चहबच्चा की, अति सुंदर शोभा, बिल्कुल बहुत ही प्यारा यहाँ पर। और यहाँ पर अनुजी बिल्कुल मधु दीदी ने सही बोला ये कि जल की तरफ तो आएगा वो कठेड़ा, बहुत सुंदर, क्योंकि बाहर की दीवार इधर है ही नहीं ना, तो वो कठेड़ा तो नहीं आएगा पर जल की तरफ तो कठेड़ा आएगा, राजजी महाराज तो तीन में कठेड़ा लगा देते हैं, ये तो दो भौम गहरा जल है। अति सुंदर मधु दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, आज का समय हो चुका है तो आइए एक प्यारा सा जयकारा भी लगाएंगे, और यदि कोई इंफॉर्मेशन रह गई है तो वो भी मैं आपको अभी बता दूंगी। हाँ जी, तो आशीष जी की ये सेवा रही बहुत ही सुंदर सेवा, जो उन्होंने ये संशय निवारण का कल पूरा बैठकर ये सेवा की, उनके बिना उनके सहयोग के बिना मैं इस काल माया में तो अधूरी हूं ही, पर इस सेवा में भी उनके बिना अधूरापन है, क्योंकि उन्होंने मुझे शुरू से कहा था कि तुम मेहनत करने की सेवा संभालो, ये आसपास की पूरा एक किला सेवा का बनाने की सेवा मुझे दो और वो मैं ही करूंगा, तो उनको कोटान कोट प्रणाम, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो दोपहर की जब रखी जाएगी तो सुंदर साथ जी रेज हैंड किए जाएंगे, अनम्यूट नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि सुंदर साथ की रिक्वेस्ट आई है कि रिकॉर्डिंग भी की जाए और यूट्यूब पर भी, वो संशय की क्लासेस भी सुंदर साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो रेज हैंड करके हम अनम्यूट करते करते सबके डाउट्स लेते जाएंगे। और आज तक, कल मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कल हमारी डे 54 तक की, हमारी आज 55 हमारा दिवस है कि हमारी क्लास
इतनी सफलता पूर्वक श्री राजजी महाराज की मेहर से और शिरोमणि सुंदर साथ के आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है राजजी, आगे भी अपने आप ऐसे ही हमें निभाते जाएंगे और अपने आप चलाते जाएंगे, और यही पैटर्न जो आज तक क्लास में फॉलो होता आया है, हमारे सतगुरु ने हमें सिखाया रूल्स रेगुलेशंस एंड डिसिप्लिन, तो वही रूल्स वही रेगुलेशंस और वही डिसिप्लिन हम सब सुंदर साथ फॉलो करते करते उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते चलते कब उनके पग की महक हमारे अंदर आ जाएगी, जो पग उन्होंने लिए वो हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसकी सुगंध हमारे अंदर आ गई। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अति सुंदर श्री मुखवाणी, जिसकी शोभा इस मुख से कहीं ना जाए, उनकी अति सुंदर चौपाई, आइए देखिए आज राजी क्या कहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी मीनू दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। किरण दीदी, रोज दीदी, किरण दीदी होंगे। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी जी। हाँ जी, छुपाई है आज की धनी का जो भी हमें संदेश है। श्री कुलजम स्वरूप वाणी, श्री परिक्रमा, प्रकरण 44, छुपाई 27। देखो महामत मोमिनो जागते, जो हक इल्मे दिए जगाए, करे सो बातें हक अर्श की, तू पी इश्क तीनों पिलाए। महामती जी कह रहे हैं कि हे साथ जी, यदि आप धाम धनी की तारतम वाणी से जागृत हो गए हैं, तो अपने हृदय में प्रेम भरकर अपने प्रीतम को और अपने परम धाम को अवश्य देखिए। अब आप केवल धाम धनी और परम धाम की ही बातें करें, संसार की नहीं। हे मेरी आत्मा, तू अपने प्राण वल्लभ घी प्रेम में अमृत धारा का पान कर और ज्ञान दृष्टि से जागृत हुए सुंदर साध को भी प्रेम का रसा स्वादन करा। इस छुपाई में इसका वो तो नहीं होगा, है ना? नहीं दीदी कह रहे। हाँ जी, ठीक है। महामती जी क्या कह रहे हैं हमें, यदि तुझे तारतम वाणी का ज्ञान मिल गया है, क्योंकि हक इलम से होते है अर्श बका दीदार, इस तारतम वाणी से यदि आप जागृत हो गए हैं, तो आपको रास्ता कौन सा लेना होगा, अपने दिल में क्या भरना होगा? प्रेम। प्रेम जो है वही हमें परम धाम को दिखाएगा, जैसे कि छुपाई के ही हक इलम से होता है अर्श बका दीदार। लेकिन इस इलम को हमें अपने रहने में भी उतारना होगा, इसको आत्मसात करना होगा। जब इस वाणी को हम आत्मसात करेंगे, उसको जीवन में रहने में उतार लेंगे, तो हमें परम धाम अपने युगल स्वरूप अपने उस मूल मिलावा के अवश्य ही दर्शन होंगे। तभी तो कह रहे हैं अब क्या करना है, हमें बात कौन सी करनी है, अपने धनी की बात करनी है और अपने परम धाम की बात करनी है, संसार की बातें नहीं करनी। तभी तो श्रृंगार ग्रंथ में क्या कहा है, मोमिन होते दुनी के तो करते दुनी की बात, चाल चलते इनकी जो होते इनकी जात। परम धाम के मोमिन क्या है, वो दुनिया के नहीं है, वो दुनिया की बात नहीं करेंगे, बात भी करेंगे जहां भी बैठेंगे तो अपने जिक्रे सुभान की बात करेंगे, अपने परम धाम की बात करेंगे, इन छह बच्चों की बात करेंगे, इन 22 सीढ़ियों की बात करेंगे, इन वृक्षों की बात करेंगे, कैसे हमें झरोखों के साथ मिलना है, कैसे धनी के साथ, झरोखे के साथ मिलन हमारा होगा अर्थात हमारा धनी से मिलन होगा। हम अपने धनी को कैसे, हमने 122 सीढ़ी चढ़ करके अपने धनी से मिलन करना है।
प्रेम से हम मिल सकते हैं, बिना प्रेम के हमें धनी नहीं मिल सकते। यदि हम ऐसा करेंगे तो संसार में रहते हुए ही संसार में हम रहेंगे, संसार के अंदर कैसे रहेंगे। जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माही सुपन, अपनी आत्म दृष्टि को खोलेंगे और अपने धनी का, अपने सुंदर साथ का भी प्रेम लेंगे। उनको हमें प्रेम देना भी है, प्रेम लेना भी है, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है, तारतम वाणी ऐसी है, इसका रस सबको पिलाना है। और सुखों के बारे में, अपने परम धाम के सुखों के बारे जब बताएंगे तो सभी सुंदर साथ इस रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि राज जी ने हमें ये कहा है, स्वयं भी जागो और दूसरों को भी जगाओ, अपने अंदर प्रेम भरो और दूसरों के अंदर भी प्रेम को जागृत करो। और बता दीजिए कि प्रेम बिना हम परम धाम में नहीं जा सकते, प्रेम तो हमें हमेशा अपने हृदय में लाना ही पड़ेगा। ये चुपाई हमें बहुत कुछ बता रही है, तू पी इश्क तीनों पिलाए, तो स्वयं भी पी और दूसरों को भी पिलाओ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साहब जी, प्रणाम जी, किरण दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सोनू, प्रणाम जी, किरण आंटी। और ये प्रेम की शिक्षा हमने आपसे ही ली है, बहुत सुंदर। यदि कोई सुंदर साथ अभी नए हो या वो कभी ना गए हो, ये आज की बात नहीं है कि किरण दीदी ऐसे बोलती हैं वो, ये हमने 20 साल पहले भी ऐसे ही उनको बोलते हुए देखा है। धामधनी की मेहर से अंदर ज्ञान का भंडार श्री राजजी महाराज ने उनको दिया। आज से शायद 18-20 साल पहले धाम की अंगना कौन एक कार्यक्रम हुआ था, वहां प्रश्न पूछने के लिए, हालांकि मुझे कोई उत्तर नहीं आते थे, तब मुझे प्रोवाइड किए गए थे सामने, मैं हैरान रह गई थी देखकर, असमंजस में थी कि अगला प्रश्न कौन सा पूछा जाए। किरण दीदी उस टाइम सामने बैठे हुए थे, उत्तर दे रहे थे, अभी मुख में प्रश्न होता था और इनका उत्तर पहले आ जा, कौन से प्रकरण की कौन सी चौपाई में ये लिखा गया है, इस किताब के कौन से प्रकरण में ये आया है, वो पहले ही बोल देते थे। अभी चौपाई पूरी नहीं होती थी कि उनका उत्तर सामने होता था। इतनी प्यारी हमारी किरण आंटी, हम सब धन्य हैं जो आशीर्वाद के रूप में वो हमेशा इस कार्यक्रम में अपनी छत्री मंडल वो बना कर रखती हैं। तो ये 2-3 मंदिरों के छत्री मंडल हमारे पास धाम धनी ने यहाँ पर दिए हुए हैं, उसके लिए धनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पल पल शुक्राना किरण आंटी, आपके चरणों में आपकी सेवा जो आज आप कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और आपके आशीर्वाद जो आप सब ने चैट में दिए उसके लिए खूब खूब आभार, और राजजी उससे भी बहुत डबल ट्रिपल अपार प्रेम आपके ऊपर बरसाते रहे, हम सब पर बरसा रहे हैं, हम लेते रहे, उसके लिए उनसे प्रार्थना कि हम अपना पात्र उतना साफ उतना कंचन का बना पाए कि उनका प्रेम उसमें ठहर सके। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।